आज आप कांग्रेस पार्टी में पर्चा भराने आए हैं, यहाँ पे आपको ही क्या फील गुड महसूस हो रही है? हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्थाएं सही नहीं है। यहाँ पर और टेंट लगाना चाहिए था, पानी की व्यवस्था अच्छी करना चाहिए था, जिससे लोग यहाँ रुकते और अच्छा महसूस करते। देश में आज जो है, आज चौकीदार बने हुए हैं, कह रहे हैं कि हम चौकीदार हैं। चौकीदार तो बड़े घरों में होते हैं, बड़े लोगों के चौकीदार होते हैं, इसलिए हमें चौकीदार नहीं चाहिए। हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए जो गरीबों के हित में काम करती है। हमको गरीबों की सरकार चाहिए, किसानों की सरकार चाहिए, मजदूरों की सरकार चाहिए, पंचायती राज की सरकार चाहिए, युवाओं की हितैषी सरकार चाहिए, युवाओं को जो रोजगार दे। आज हमारे देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। युवा हमारा दर दर भटक रहा है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। जो इन्होंने योजनाएं लागू की, नोटबंदी की, GST लागू की और विभिन्न प्रकार की इन्होंने वो किया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। हमें इनमें बदलाव करने की जरूरत है और सरकार बदलने की जरूरत है। जब हम सरकार बदलेंगे, देश में कांग्रेस की सरकार होगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, तब हमारा देश सही होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनका असली हक मिलेगा और हम गरीबी में असली जो अभी हमारी योजना आई है 72,000 की, से गरीबों का हित होगा, देश से गरीबी मिटेगी।